हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्लिसफुल यू एंड माइंड। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे वीडियोस रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी, फिटनेस, फैशन एंड मेनी मोर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही तूफ़ानी सब्जी, जिसे कहा जाता है पनीर तूफ़ानी। आप जानते हैं इसे तूफ़ानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाल मिर्ची की अमाउंट थोड़ी अच्छे से पड़ती है। सो विदाउट गेटिंग लेट, चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और जान लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो 300 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है, जिसको गरम हल्के से गरम पानी मैंने भिगो लिया है। यहाँ ये देखिए, कढ़ाई मैंने रख ली है, उसमें नियर बाय 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। चलिए जी, अब डाल लेते हैं पहले ये चॉप किए हुए प्याज, जो कि आप नियर बाय 2 to 3 मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। चलिए जी, ऐड हो गया है ये हमारा प्याज। अब इसे अच्छे से हमें तब तक भूनना है जब तक ये लिटिल ट्रांसलूसेंट या लिटिल पिंक नहीं हो जाता। अब यहाँ आप देखेंगे तो मुझे 5 से 8 मिनट हो चुके हैं प्याज को भूनते भूनते। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 से 6 या 7-8 आप ये काजू ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब इसको प्याज और काजू को मैं साथ भून रही हूँ तेल में। चलिए जी, ये थोड़ा टाइम हो चुका है। अब देखिए, ये 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं, वो भी मैंने ऐड कर दी है इसमें। और ये नियर बाय 1 से 2 इंच के आसपास आप अदरक ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से तेल में ही इन सबको एक साथ भून लेना है। यहाँ ये देखिए, नियर बाय 1 मैंने एक ग्रीन चिली ऐड करी है और 2 से 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ भी ऐड कर लिए हैं। ये सब मैंने साथ में ऐड कर लिए हैं। अब एक ही काम करना है, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से भूनना है जब तक कि ये लिटिल टमाटोज हमारे मैशी नहीं हो जाते। चलिए जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे टमाटोज हमारे लिटिल मैशी हो चुके हैं। चलिए निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये निकाल लिया है मैंने इस तरीके से प्लेट में और हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। दोस्तों, अभी तक जो हमने अब टमाटर, प्याज, ये सब जो काजू भूना, वो तो था जो हमारी सब्ज़ी है उसकी ग्रेवी की प्यूरी रेडी करेंगे हम लोग। और अब हम मेन जो है हमारी मेन रेसिपी रेडी कर रहे हैं, वो है पनीर तूफ़ानी की। यहाँ ये 2 नियर बाय टेबल स्पून के आसपास, बिग टेबल स्पून के आसपास तेल ले लिया है और उसमें जैसे ही तेल गर्म हुआ है मैंने जीरा ऐड कर लिया है। नियर बाय 1 टीस्पून के आसपास जीरा ऐड हो चुका है। चलिए जी, अब जीरा देखिए रेड हो गया है हमारा। चलिए अब ऐड कर लेते हैं फटाफट से दूसरे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ ये आप देखेंगे तो मैं ऐड कर रही हूँ नियर बाय 2 मीडियम साइज़ अनियंस मैंने चॉप कर लिए हैं, जिसको प्याज कहते हैं। ये नियर बाय 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने देखिए चॉप कर ली हैं। अब इसे अच्छे से भून लेंगे तेल में। चलिए फटाफट से अब इसको भून लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज मेरा अच्छे से लाल लिटिल पिंक हो चुका है। चलिए ऐड कर लेते हैं मसाले। ये नियर बाय 1 टीस्पून के आसपास मैंने हल्दी ऐड कर ली है। लीजिए जी, हल्दी ऐड हो गई। चलिए अब अदर मसाले देख लेते हैं कौन से ऐड होते हैं। ये ऐड करते हैं हमारी धनिया पाउडर, ये नियर बाय मैंने ऐड कर लिया 2 टीस्पून के आसपास। ये 2 टीस्पून के आसपास धनिया पाउडर ऐड हो गया। ये ऐड करती हूँ मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है देसी लाल मिर्च। ये ऐड हो गया नियर बाय 1/2 टीस्पून के आसपास। और ऐड कर लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, वो है 1 टीस्पून के आसपास। ये लीजिए जी, सारे हमारे मसाले ऐड हो चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हो गया 1/2 टीस्पून के आसपास जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया है। अब मिक्स कर लेते हैं मसालों को तेल में। एक्चुअली जो मसाले होते हैं हमें तेल में ही ऐड करने चाहिए। कई लोग होते हैं जो प्याज ऐड कर लेते हैं, टमाटर ऐड कर लेते हैं, फिर मसाले ऐड करते हैं। एक्चुअली जो फ्लेवर आता है मसालों का, वो तभी आता है जब आप तेल में ऐड करते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमने प्यूरी बना ली है। किस चीज़ की? जो हमने टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, सब जो लहसुन वगैरह बनाया था पहले, उसकी मैंने प्यूरी करके अब इसमें ऐड कर दिया है। चलिए जी, ये ऐड हो गया है। अभी से ही देखिए कलर कितना अच्छा आ चुका है। विश्वास कीजिए, जब भी आप काजू ऐड करते हैं, अगर आपके पास काजू नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आपके पास मगज के बीज हों तो आप मगज के बीज को पहले 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ग्रेवी मतलब सब्ज़ी बनाने से पहले आप भिगो सकते हैं। देन उसके बाद इस सब्ज़ी में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए, मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया है। चलिए जी, मोस्टली सब हमारे मसाले ऐड हो चुके हैं। अब एक ही काम करना है, इसे अच्छे से इसको भूनना है ग्रेवी को, जब तक कि इस ग्रेवी में से लिटिल ऑयल रिलीज़ होना शुरू नहीं हो जाए। कई बार होता है
फ्रेंड्स, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब हम काजू ऐड करते हैं ग्रेवी में, कई बार होता है ग्रेवी ऑयल रिलीज़ नहीं करती है। सो आपने टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऑयल रिलीज़ नहीं होता है। थोड़ा सा लिटिल आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये आप देखेंगे लिटिल लिटिल हल्का सा ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो रहा है। चलिए जी फ्रेंड, यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को भूनते भूनते। यहाँ ये देखिए, मैंने यहाँ पानी ऐड कर लिया है नियर बाय 1/4 कप के आसपास। अब ये देखिए, जैसे ही आप ये ग्रेवी को आप भूनेंगे तो ये ग्रेवी चिपकना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें काजू ऐड किया है। सो आपने एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जब ये ग्रेवी आप रखेंगे भूनने के लिए, अच्छे से सिकने के लिए, तो आपको इसको इस तरीके से निकालते रहना है। चलिए जी फ्रेंड्स, एज पानी ऐड हो चुका है तो नियर बाय 5 मिनट्स आपको उसको ग्रेवी को कुक होने देना है। ये देखिए, मैंने कवर ओपन कर लिया है। अब मैं नियर बाय 4 to 3 टेबलस्पून के आसपास मलाई ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मलाई ऐड हो गई। चलिए जी मिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली काजू और मलाई ऐड करने से ग्रेवी का जो टेक्सचर है बहुत इन्हांस हो जाएगा। आपको रियली, आप ये एक बार सब्ज़ी बना के देखिएगा, यू विल रियली श्योरली इन्जॉय इट। बहुत अच्छी ग्रेवी एक्चुअली इसकी बनती है। ये देखिए, यहाँ पे नियर बाय 4 टेबलस्पून के आसपास मैंने ऐड कर लिया है मलाई। ये देखिए, 2 पहले डाले 2 अभी डाले, हो गए नियर बाय 4 टेबलस्पून। चलिए जी ये मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी का कलर देखिए, अब इसे बहुत अच्छा आ चुका है। चलिए जी, अब इसको एक ही काम करेंगे, थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारी मलाई अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। चलिए जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, भूनते भूनते मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं। अच्छे से मैं इसको ग्रेवी को सेक रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिटिल लिटिल ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है, मतलब मेरी ग्रेवी सिक के तैयार हो चुकी है। चलिए जी, यहाँ ये देखिए, गरम मसाला मैंने 1/2 टीस्पून के आसपास ऐड कर लिया है। और यहाँ पे ये मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी का जो पाउडर होता है, वो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। ये मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, यू बिलीव मी गाइस। यहाँ पे ये देखिए, 300 ग्राम का जो पनीर था, इस तरीके से मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। और अब कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए, मिक्स धीरे, बहुत हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है, ताकि हमारा जो पनीर है टूटे बिल्कुल नहीं। ये देखिए गाइस, श्योर से श्योर ये आप बनाइएगा ग्रेवी और ये सब्ज़ी, ये पनीर तूफ़ानी। मैंने यहाँ पे इस सब्ज़ी में मिर्ची ज़्यादा ऐड नहीं करी है, बिकॉज़ हम लोग मिर्ची इतना नहीं खाते हैं। इस सब्ज़ी को तूफ़ानी इसीलिए ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिर्ची की अमाउंट बहुत अच्छे अमाउंट में पड़ती है, बट हम लोग इतना नहीं खाते, तो मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, नियर बाय 1/2 कप के आसपास। ये देखिए, जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको पसंद है, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने नियर बाय 1/2 कप के आसपास पानी ऐड कर लिया है। अब ये देखिए, आपको इस तरीके से मिक्स करके, और अब हम इसको ढक के रख देंगे, ताकि इस ये अच्छे से सिक के रेडी हो जाए, और जो भी फ्लेवर है हमारे ग्रेवी में वो पनीर में चला जाए। चलिए जी, मैं कर लेती हूँ इसे फटाफट से कवर। यहाँ ये देखिए, 10 मिनट्स हो चुके हैं मेरी ग्रेवी को सिकते सिकते। अब मैंने इसका कवर ओपन करा है, देखिए कितना रिच टेक्सचर आया है ग्रेवी का। यहाँ पे ये आप देखेंगे, थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, नियर बाय कुछ 3/4 टीस्पून के आसपास। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने ये गरम मसाला ऐड कर लिया है। अब एक ही काम बचता है, फटाफट से मैंने दूसरे गैस पे तेल गरम कर लिया है, बिल्कुल बॉइल्ड तेल है। चलिए जी, अब मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ ये बॉइल्ड तेल। ये लीजिए जी, एक तरीके से जिस तरीके से हम वगार करते हैं, उसी टाइप में मैंने इन मसालों को सेक लिया है। चलिए, अब हमारी ग्रेवी और बिल्कुल सब्ज़ी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। छोटा सा वगार करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और सिम गैस पे थोड़ा सा और सेक रही हूँ। यहाँ ये देखिए, ऑयल अच्छे से अमाउंट में हमारा रिलीज़ हो चुका है, मतलब साफ सब्ज़ी हमारी बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुकी है। चलिए कर लेते हैं इसे फटाफट से ठंडा। ये देखिए, ठंडे होने के बाद जो भी सब्ज़ी है, ये जो हमारी सब्ज़ी है, इसका टेक्स्चर थोड़ा अच्छे से रिच हो जाता है, और ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने कर ली है इसकी प्लेटिंग। चलिए जी, अब मैं डाल लेती हूँ इसके ऊपर धनिया। धनिए से मैं इसको कर लेती हूँ गार्निश। ये मैंने ऐड कर ली है ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। देखिए जी, ये ऐड हो गई हमारी ग्रीन कोरिएंडर लीव्स।
आपको सब्ज़ी देख के ही पता चल रहा होगा, रियली बिलीव मी गाइज, इट्स सो क्रीमी सब्ज़ी विद रिच टेक्स्चर एज वेल एज कलर। सो आप ज़रूर से ज़रूर ये सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपके लिए ये सब्ज़ी कैसे बनी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, चाहे वो कुल्फ़ी हो, केक हो, कटोरी चाट हो, या बहुत अदर रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं। आप चाहे तो जाके विज़िट करके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपीज़ में आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी यही कोशिश रहती है आपके साथ शेयर करना कुछ ऐसी ही सिंपल और अमेजिंग रेसिपीज़ जो बनने में बहुत ही आसान हो, सिंपल हो, लेस कॉम्प्लेक्स हो और टेस्टी हो। सो चलिए मिलती हूँ कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लिसफुल, स्टे हेल्दी।